एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 50,000 रुपीस का पीसी बिल्ड। हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि ये पीसी बिल्ड में हम लोग ने अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए। तो सूरज भाई, अभी हम लोग ने ये वीडियो में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया पीसी बिल्ड में? ये बिल्ड हम पीसी बिल्ड बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो एक्चुअली हम 3 पीसी बिल्ड करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या रेंज तक पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बजट बिल्ड का बहुत डिमांड आ रहा है, तो पब्लिक ऐसे उनकी डिमांड कर रही है कि बजट बिल्ड लाओ, बजट बिल्ड लाओ। बजट में क्या प्रोडक्ट यूज़ होगा, क्या कौन सा गेम्स खेलेंगे, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, आप एडिटिंग VFX जो भी है रेंडरिंग वगैरह कर पाओगे नहीं पाओगे, वो भी आपको वीडियो में सब बताने वाला। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग ने देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया इसमें। तो स्टार्टिंग में आते हैं हम प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमने यूज़ किया है राइजन 5 की तरफ से आने वाला 5600G। 5000 सीरीज में अपने को दो प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, 5600G और 5700G। तो दोनों ही डिफरेंट प्रोसेसर है। इसमें 4GB 2GB कुछ वेरिएंट नहीं आता, कस्टमर का मैनिपुलेट होता है वो सब नहीं होता कुछ, यहाँ पे बता दूंगा आपको। देखो 5600G में आपको देखने को मिल 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 4 कोर 4 थ्रेड मैक्स बूस्ट चला जाता है देखने को। आप कोई भी 1080p एडिटिंग करना चाहता है तो कर सकते हैं, 4K नहीं होता इस पे। मतलब बोलना चाहूंगा कि किसी को गेमिंग करना है, एंट्री लेवल में गेमिंग करना है, मीन्स के GTA 5 वगैरह जो भी वैलोरेंट वगैरह खेलना है बजट बिल में, तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर आज के टाइम पे। ग्राफिक कार्ड में वैसे ही इन्वेस्ट घर के मतलब नहीं, GPU के प्राइस बहुत इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था जो ग्राफिक कार्ड आपको 11,000 मिलता था, वही आज के रेट 25-21,000 की मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि वर्थ नहीं है सब चीज़ में पैसा डालने का। 5000 सीरीज में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, इससे भी लोअर वाले प्रोसेसर आते हैं 4650G, 3400, 3200, इनके भी प्राइस सब इन्फ्लेट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ माइनिंग। वैसे ना कि अभी APU वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो अभी माइनिंग में यूज़ हो चुके हैं, पहले सब इंटेल के होते थे, अभी राइजन के भी आने लगे। तो जो नॉर्मल आपको 3200-8000 मिलता था देखने को, वही आपको आज 18,000 देखने को मिलता है। सीधी सी बात, इतना सेंस नहीं बनता कोई प्रोडक्ट में इतना पैसा डाल के। 5000 सीरीज के जो दो प्रोसेसर है, अभी सही टाइम है कि ले लो, कि इनके भी प्राइस बढ़ जाएंगे तो मतलब नहीं है कुछ। तो सभी कैसा है, जो 3400G है, 3200G है, हाँ। वो एक तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी ने डिस्कंटिन्यू कर दिया है बोल नहीं सकते। कैसा ना कि अभी कंपनी नो मैन्युफैक्चरिंग कम करने के लिए वो OEM प्रोसेसर निकाले थे, बॉक्स कटिंग मतलब कॉस्ट कटिंग जहाँ पे होता है वो अभी कर दिए है। पहले जो बॉक्स में मिलते थे वही चीजें आपको ट्रे में मिलती है। 3S वारंटी है, सिंपल सी बात है, खाली उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है, बाकी बॉक्सेस वगैरह सब हटा दिए। तो प्राइस पड़ते अपने को अराउंड 23,750 इसका प्राइस था। जब आया था मार्केट में तो 26,000 का था, चांस नहीं है कि इतना और इससे कम होगा। जैसे कि इसका डिमांड आ गया तो इसका भी बढ़ने वाला है। तो भी मैंने आपको एडिटिंग करना है तो इसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना एक मस्ट बनता है, क्योंकि ऑनबोर्ड पे इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए बोल दो। तो मदरबोर्ड की तरफ आते तो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आना, गीगाबाइट B450 Aorus Elite। तो इसके अंदर दो वेरियंट आते हैं, एक Aorus M Elite जो कि आते हैं माइक्रो साइज के आते हैं, और ये Aorus नॉर्मल साइज की आती है। तो ये थोड़ी साइज में बड़ी आती है, 80 साइज की आती है। तो इसमें भी आपको 5000 सीरीज के जो प्रोसेसर है वो भी सपोर्ट करेंगे। बस खाली इतना फर्क है कि इसमें BIOS अपडेट माना पड़ेगा। कस्टमर्स ले तो लेते हैं प्रोसेसर, फिर बोलते हैं चल नहीं रहा है, PC चालू नहीं हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये कि आप BIOS अपडेट नहीं किए हो। BIOS अपडेट माने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके BIOS का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, वो सब आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो कंपनी इसीलिए उनका BIOS का अपडेट बना है। तो 450 भी चलता है, 550 भी चलता है, डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से, और मेन मतलब क्या बजट चल रहा है, आप बजट उसका जैसे टाइट बनाना है तो कैसा ना कि वो हो जाएगा अपना, डिपेंड्स अपॉन मदरबोर्ड आपको कैसा कौन सा लेना चाहिए। बी श्योर दैट B450 डजंट सपोर्ट Gen4 NVMe, तो लेके मतलब नहीं है। इसमें Gen4 3 NVMe सपोर्ट करेंगे, प्राइस देखने को मिल जाते हैं आपको 9,000 रुपीज होंगे। ओके, तो स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं, तो स्टोरेज ऑप्शन हमने यूज किया XPG की तरफ से आने वाला XPG GAMX S5 512GB NVMe के NVMe आता है। तो इसके अंदर दो वेरियंट आता है, इसके अंदर आपको 2100 ME/s और 3500 ME/s के देखने को मिल जाता है। तो हमने इसमें SSD क्यों यूज किया, जो कि आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो मेनली आपका सॉफ्टवेयर वगैरह सब इसके अंदर इंस्टॉल होगा। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको हीट सिंक के साथ आती है, प्री इंस्टॉल हीट सिंक आती है। प्राइस पड़ते आपको अराउंड 4,500 रुपीज होंगे। तो रैम की तरफ आते, रैम हम यूज किया XPG की तरफ से ना XPG GAMX D50 जो की आती है non-RGB। कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता है ये RGB या non-RGB, बट एक्चुअली ये non-RGB है। ये आती है आपको 3200 फ्रीक्वेंसी के साथ, इसमें तीन वेरायटी देखने को मिल जाते हैं, 3200, 3000 and 3600 MHz की। तो डिपेंड्स अपन कैसा आपका काम है, तो उसके ऊपर आप रैम पे फ्रीक्वेंसी का पैसा इन्वेस्ट करो।
वरना वर्थ नहीं है 3600 लेके। प्राइस पर आपको देखने को अराउंड 2650x2। PSU की तरफ आते तो PSU हमने यूज किया है, कुलमाशे की तरफ से आ रहा है कुलमाशे MWA 550W ड्रोन्स आता है। अभी कुलमाशे में नया लॉन्च किया है जो कि इसके अंदर गोल्ड सीरीज भी आती है, वो मॉड्यूलर आती है, तो आप वो चॉइस भी वो एक भी देख सकते हो। किसी को फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड RTX सीरीज में जाना है तो आप वो भी ले सकते हो कि 600-700 वैसे वॉट के पावर सप्लाई निकले हैं मार्केट में। ये 550 वॉट की प्राइस पड़ती है आपको अराउंड 3750 रुपीज। ओके, तो कैबिनेट की तरफ आता था, कैबिनेट हमने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने लगा। गीगा का सब ब्रांड है कॉगर करके, तो कॉगर में हमने यूज किया कॉगर MX410 ARGB जो कि एड्रेसेबल है, और इसके अंदर आपको देखो चार पेन देखने को मिल जाते हैं जो कि चारों ही एड्रेसेबल है, एक साथ सिंक हो जाते हैं, मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाएंगे। आपका मदरबोर्ड में ARGB हेडर होना चाहिए उसके लिए, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है ऊपर के टाइप आपको मैश टाइप देखने को मिल जाते हैं, तो आप आगे के साइड और ऊपर के साइड 240mm का रेडिएटर सपोर्टेड है आप लगा सकते हो, और इवन 120mm का भी सपोर्टेड है इसके अंदर। तो फैन का आप एडिशन में लगा सकते हो, ऊपर दो फैन लगा सकते हो, नीचे के साइड एक फैन लगा सकते हो, इसमें प्लस पॉइंट है। और एक एडिशनल इसका पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको चार USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, विच इज 2.0 एंड 3.0 जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है। तो बी श्योर अबाउट दैट कि आपका मदरबोर्ड ARGB कंपैटिबल होना चाहिए, तो भी आपके जो फैंस है ARGB के सिंक हो गए, नहीं वरना नहीं होंगे, या तो बटन से ही हो गए। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर चार USB पोर्ट्स दिए, जिसको USB की जरूरत ज्यादा है तो इसके अंदर चार USB पोर्ट्स दिए, 2.0 और 3.0। बी श्योर अबाउट दैट कि आपका मदरबोर्ड 3.0 कंपैटिबल हो उसके लिए। तो इसका लुक देख सकते हो कि आप बहुत नॉर्मली ये नॉर्मल साइज का दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे फुल 8x साइज का मदरबोर्ड बैठ जाता है। और इसके अंदर भी देखोगे तो एड्रेसेबल के दो साइड में लाइट बार भी दी है जो कि आप चेंज कर सकते हो विद इन बटन से। आपको रेनबो रखना है रेनबो भी रख सकते हो, स्टैटिक रखना स्टैटिक भी रख सकते हो। कॉगर ने सबसे बेस्ट बजट में कैबिनेट बनाया, तो आज तक ये मतलब अभी भी लॉन्च हुए तो बजट में बहुत अच्छे कैबिनेट निकाल रहा है, तो होपफुली इन फ्यूचर में देखेंगे तो और भी बजट में अच्छे अच्छे कैबिनेट्स निकाले। तो इसके अंदर आपको देखने आगे की साइड मैश है, किसको मैश टाइप चाहिए बजट में तो एक सही ऑप्शन है। इसके अंदर चार फैन दिए आपको, ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ कि इसका ARGB है, और इसके अंदर एक आपको साइड में टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। तो सूरज भाई टोटल इसका क्या प्राइस पड़ रहा है हमें? टोटल आपको PC बिल देखने को मिल जाता है 50,500 रुपीज ओनली। तो 500 तो मतलब कैसा ना कि देखते हो जाएगा, अगर मतलब कुछ कम हो सकता है हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे तो इसके हिसाब से अपने HSP कर लेंगे तो देख लेंगे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता सब दुकान पे। सो गाइस ये था ये पूरा बिल्ड बजट सीरीज के ऊपर, और अभी ये फर्स्ट वीडियो है बजट सीरीज का, और भी बहुत बजट सीरीज के वीडियो आ रहे हैं, तो गाइस आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एंड वन थिंग तो इसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से बिल्ड आने वाले हैं, और साइड में देखने होंगे तो आपको दो वीडियो और देखने को मिल जाएगा, उनको भी लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए पहले कैसा वीडियो है बना है, तो इसके ऊपर कौन सा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अभी बहुत सारे बिल्ड आने वाले हैं, जैसे कि बजट बिल्ड 40,000 से लेकर 80,000 तक पूरे सारे बजट बिल्ड आ रहे। तो ये तो पूरा वीडियो है, आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो लेफ्ट साइड में है, और अगर आपको बजट बिल्ड का सीरीज देखना है उसका प्लेलिस्ट राइट साइड में, तो जरूर देखना।